स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। डीवीसी ने अपने बकाए भुगतान को लेकर कमांड एरिया में 30% बिजली कटौती कर रही है, जिसके धनबाद के लोग पहले से परेशान थे, लेकिन अब डीवीसी 50% बिजली कटौती का फरमान सुनाया है, जिसमें धनबाद में बिजली संकट गहरा सकता है। डीवीसी अपने एरिया बोर्ड पर कुल 600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। बिजली की कटौती अगर 50% होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। डीवीसी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि तय तिथि से एक सप्ताह के अंदर बकाए राशि की प्रक्रिया पूरी होने पर कंपनी हर दूसरे सप्ताह राज्य के 7 एरिया में 10% बिजली कटौती करेगी, जिसका असर धनबाद में पहले से दिख रहा है, और 50% की बिजली कटौती से इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। बिजली विभाग ने डीवीसी की चेतावनी से पहले से ही तैयारी कर ली है। कांड्रा पावर ग्रिड से जोड़े जाने की वजह से धनबाद शहर में इसका असर कम दिख रहा है, लेकिन झरिया पुटकी सहित अन्य क्षेत्रों को बिजली कटौती की वजह से यहां के लोग परेशान हो रहे हैं। आप सब जो 90 मिनट की कटौती कर रहे हैं, 90 मिनट पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हमको कि आप अपना लोड कम करने के लिए जो रेगुलेशन आप लोग का डिसाइड हुआ है उस अनुसार हम लोग लोड कम कर रहे थे, लेकिन बाद में शाम कल शाम से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फिटर लोग 1.5 घंटा 1.5 घंटा के लिए 90 मिनट के लिए कम्प्लीटली ऑफ कर ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम लोग किस्म का करने सकते हैं, जो अल्टरनेट सोर्स है उससे हम लोग पावर देने का कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ जैसे धनबाद है, धनबाद में कोई असर नहीं है उसका रेगुलेशन, धनबाद में बिजली आपको नॉर्मल। दूसरी चीज़ है कभी क्योंकि सर्दी का समय है तो बिजली का सब डिमांड भी कम है। इस कारण भी क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन प्रसिद्ध करेगा तो समस्याएँ बढ़ सकती है। हमारे से इसको अधिकारियों से ये संज्ञान में है तो हम लोग उम्मीद करते हैं इसका कुछ दिनों में इसका कोई। वहीं बार बार डीवीसी के बिजली कटौती को लेकर बैंक मोड़ चैंबर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीवीसी धनबाद का कोयला और धनबाद की धरती को इस्तेमाल कर यहां के लोगों को परेशान कर रहा है। डीवीसी के फरमान पर सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए। देखिए, एक तो सर्दियों का समय है, ऐसी कोई ज्यादा बिजली की खपत भी नहीं है, ना एसी चल रहे हैं, ना बड़े कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई खरमास भी आ गया है और ना शादी ब्याह कुछ नहीं। उसके बीच में अगर डीवीसी इस तरह से कटौती का फरमान जारी करता है तो कहीं से भी ये सही नहीं है। डीवीसी का जो फरमान है इसमें आम जनता क्योंकि डीवीसी का जो बकाया है वो सरकार की तरफ से बकाया आम जनता। बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, बेहतर हो कि वक्त रहते इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के नरसा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग कई मजदूर के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना ईसीएल मुगमा एरिया के चैबापुर 9 नंबर माइंस की है। हैरत की बात यह है कि घटनास्थल नरसा नया थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर है, फिर भी अवैध उत्खनन का खेल जारी है और यहां से निकाले गए कोयले को आसपास के कोयला भट्टों में खपाया जाता है। धनबाद के हीरापुर हटिया में 8 दुकानों में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर डाला है। मिठाई दुकान, होटल समेत सब्जी से आलू प्याज, फल दुकान से पतल दुकान और यहां तक कि मुर्गा दुकान से चोरों ने मुर्गा की भी चोरी कर ली है। साथ ही दुकानों के गल्ले में रखे 500,000 जो मिला उस पर भी हाथ साफ कर लिया। उसके बाद आके देख रहे हैं सुबह ऐसे ऐसे बात है। अब किधर से जो फान के घुसा है ये भी कहना मुश्किल है, किस लाइन में घुसा है, किस में घुसा है। बाकी रेजकी जैसे दुकान में तो रेजकी ले जाने का संभव है नहीं, बड़ा आदमी तो नहीं घुस सकता, नहीं बड़ा आदमी नहीं घुस रहा है इसमें। वो कैसे हुआ? अभी तो रात का ही घटना, कैसे हुआ ये भी तो।
उधर धनबाद के पुटकी कच्ची बलियारी में तालाब के नजदीक बहते नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक दो दिनों से एक मांस दुकान में मवेशी चराने का कार्य करता था। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और उसके हाथ पर बसंत लिखा हुआ। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने बोकारो मुख्य मार्ग के महुदा मोड़ के पास छापेमारी कर अवैध लोहा लदे वाहन को जब्त किया है। आपको बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी ने कार्रवाई की है। झरिया के बोट मंडी के पास पत्थर लोड ट्रैक्टर और बाइक सवार की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। निरसा के मुगमा आउटसोर्सिंग में कोयला उठाव बंद कर दिए जाने और कोयला लोडिंग में रंगदारी वसूलने को लेकर डीओ होल्डरों ने मुगमा काली मंदिर के नजदीक विरोध किया। डीओ धारकों ने बताया है कि आउटसोर्सिंग में रंगदारी चरम पर है, जबरन वसूली किया जा रहा है, मजदूरों से रंगदारी मांगी जा रही है। आउटसोर्सिंग में जहां मजदूरों को लोडिंग के एवज में प्रति टन 170 से 180 रुपए दिया जाता है, वहीं डीओ धारकों को 330 रुपए प्रति टन वसूला जाता है। वहीं आउटसोर्सिंग काटा बाबू और डिस्पैच बाबू ने इससे इनकार किया है। बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है उन लोगों से। कभी हमारी गाड़ियों को रोका जाता है पैसे के अवज में, 350 रुपये टन का डिमांड किया जाता है, और कभी हमारी गाड़ी को कांटा स्लिप अपने हाथ में लेके और ये बोला जाता है कि आप 350 रुपये टन जमा करो तब कांटा स्लिप आपका हम देंगे। 3 तारीख के डेट में लोडिंग को रोक दिया गया है कि ये बोल के कि जो 350 रुपये टन देगा उसी की गाड़ी लोड होगी। और कांटा में अलॉटमेंट पार्ट कुछ पार्टियों को रोक दिया गया है, जो पैसा नहीं दिए हैं बोलते हैं, जो घूस का पैसा नहीं दिए हैं उसे अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। हम लोग जो पेपर वर्क करी थी, हम लोग जो पेपर वर्क करी थी, हम सुबह खाली गाड़ी भी किए, लोड गाड़ी भी निकाले, करीब करीब 8-9 को लोड गाड़ी भी निकाले। बहुत काफ़ी परेशानियों का। धनबाद में भारतीय जन मोर्चा पार्टी के नेता पर गोली चलाने के शिकायत के बावजूद पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं करने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सदर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा के नेता रमेश पांडे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सदर थाना का घेराव किया। रमेश पांडे विश्व हिंदू परिषद के नेता भी रह चुके हैं। घटना के मुताबिक बिग बाजार से बिरसा मुंडा पार्क जाने के क्रम में उनके वाहन के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद वो सीधे थाने पहुंचकर इस बात की शिकायत की थी। लिखित सूचना दिया जा रहा है कि मेरा रेकी करवाया जा रहा है और प्रशासन सुस्त थी, और कल रात की दुर्घटना के बाद आज अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है कि एक वाइट कलर का स्कॉर्पियो जो 1555 का गाड़ी है वो मेरा गाड़ी का पीछा किया और बिरसा मुंडा के पार्क के पास गोली चलाया। तो उसके बाद अभी तक प्रशासन के द्वारा कहीं से ये नहीं पता चल पाया कि कौन था अपराधी, क्या था। हम लोग मांग करते हैं कि अपराधी अविलंब गिरफ्तार हो और यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक जो एसएसपी साहब हैं वो लिख के दें कि आगे हमारे साथ ऐसा दुर्घटना भविष्य में नहीं होगा। झारखंड कुशवाहा महासभा ने धनबाद के गांधी रोड स्थित कमलोद भवन में 19वीं सदी में महिला अधिकारों, अशिक्षा,
छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली समाज सुधारक सावित्री बाई फूले की 109वीं जयंती मनाई और सावित्री बाई फूले के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य को याद किया। उस माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मना रहे हैं जो आज देश आधी आबादी की हक की बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने 190 साल पहले महिलाओं के शिक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार, कुरीति और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाल विवाह, इनका 9 साल के उम्र में विवाह हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसे कुरीतियों से लड़ा और सभी समाज को लेकर के 1948 में पहला ये इन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। आप समझ सकते हैं कि उसमें महिलाओं के प्रति क्या सोच रही होगी, कैसे कैसे इनको यातनाएं सहनी पड़ी। सुमन अर्पित करके हम लोग उसकी जयंती मना रहे हैं। उस माता सावित्री अपना धन्यवाद में खबरें भी और भी है, मगर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना धनबाद में धनबाद की खबरों की चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो रांची से आई है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यक्रम में बिजली कटने का मामला। बिजली विभाग ने कहा कार्यक्रम की नहीं थी मौके की अलिखित जानकारी। एरिया बोर्ड के जीएम पर गर सकती है गाज। ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने 4 घंटे में जांच कर मंगाई रिपोर्ट। तो आपको बताया कि मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची के सांसद संजय सेठी मौजूद थे। वहां पर जब तक कार्यक्रम चलता रहा वहां बिजली नहीं रही, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी जनरेटर के तौर पर और उसके इस्तेमाल से बिजली चाल जारी रही। अजय, जिस तरह से ऊपरी तौर से अगर देखा जाए तो सब कुछ सही लगता है, मगर ऐसी जब खबरें आ जाती हैं तो लगता है कि अभी काम करने की आवश्यकता है। ऐसा ही मामला सामने आया, हालांकि अब अधिकारी जो है रेस हो गए हैं और जांच कर रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल सारिफ, देखिए जिस प्रकार से न्यूज 11 ने इस खबर को आज प्रसारित किया था कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम है, 3 से 3.5 घंटे तक बिजली नहीं रहती है, तारीफ करनी होगी ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार की और बिजली वितरण के कार्यकारी निदेशक के वर्मा की, जिन्होंने न्यूज 11 की खबर को देखने के तुरंत बाद बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा, रांची एरिया बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि आप मुझे 6 घंटे के भीतर पूरी जांच करें कि किन परिस्थितियों में अर्जुन मुंडा को बिजली न रहने की फजीहत झेलनी पड़ी और इसकी जांच रिपोर्ट भी मुझे दे। ये जांच करके जांच रिपोर्ट भी आ गई है, हालांकि इसमें एक दूसरे का चेहरा बचाने की कोशिश हुई है कि अमुक इलाके में बिजली थी, कुछ घंटे के लिए लोड शेडिंग हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा महकमा है रांची एरिया बोर्ड का, किसी को ये जानकारी नहीं थी कि उनके इलाके में केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम है, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो तारीफ करनी होगी कि कम से कम जांच रिपोर्ट आई और जांच कार्य करके इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया। तारीफ जाहिर तौर पर इसमें संज्ञान ले लिया गया है। न्यूज 11 और भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर चूक और गलती कहां और किसके जरिए की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए आपका।
बागमारा से बड़ी खबर आई है, जहां मुरैडी के डीओ धारक उमेश चौहान के साथ मारपीट, पिस्टल सटाकर 17,500 रुपए छीनने के मामले में दो नामजद और एक अज्ञात पर आरोप। बरोरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। तो बागमारा से ये बड़ी खबर आई है, जहां मुरैडी के डीओ धारक उमेश चौहान के साथ मारपीट की गई है। बागमारा से अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, मारपीट की घटना प्रकाश में आई है, साथ ही साथ लूट की भी बात आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? इस तरह से हाल के दिनों में मुरैडी कोल्डअप में हमेशा एक टेंशन बना हुआ है, आज फिर एक नमूना देखने को मिला मुरैडी कोल्डअप के डीओ धारक के साथ। डीओ धारक जो उमेश चौहान है, वो अपने आप को पीड़ित बताते हुए ये कह रहे हैं, उनके साथ तीन लोगों ने, बुलेट सवार तीन लोगों ने आकर मारपीट की और मारपीट के दौरान उनके कनपट्टी में पिस्टल सटा के उनके साथ छिनताई दी थी और साथ में ये धमकी भी दी है कि जिस तरह से मुरैडी में हमारा सिंडिकेट डीओ धारक चल रहा है, उसके विरुद्ध जाओगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये धमकी का भी मामला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई जो दिख रही है कोल्डअप में, जो आउटसोर्सिंग में या साइडिंग में, फिर से ये जो आज का जो घटना है इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि पूरे मामले में जिस तरह से एप्लीकेशन डीओ धारक उमेश चौहान द्वारा दिया गया है, लगातार पुलिस एप्लीकेशन के आधार पर जांच कर रही है और जो भी लोग नामजद इसमें नाम दिए गए हैं, अंकित किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की प्रयास कर रही है और मामले के तरफ तक जाने की कोशिश कर रही है। मामला क्या है ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि जो भी आरोपी है, तीन आरोपी है। अशोक जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। तो एसडीएम के द्वारा छापेमारी की गई है, झरिया में ये छापेमारी की गई, अलग अलग दुकानों में छापेमारी की गई है, जहां जामाडोबा बाबूबासा स्थित मां अंबे स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित जन वितरण दुकान में रविवार को एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने छापेमारी कर दुकान को सील कर दिया है। वहीं जन वितरण की दुकान से सटे आटा चक्की को भी सील कर दिया गया है। कार्रवाई का मुख्य मकसद जो है, हमारे पास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार से ये बताया गया कि माँ अम्बे इनका जो पीडीएस दुकान है, इसी से डाइवर्ट करके इन्हीं नाम से एक आटा चक्की मिल चलाई जा रही है, वहीं पे गेहूं वगैरह को डाइवर्ट कर रही है, ये सूचना प्राप्त हुई। अभी हमने जब आकर के देखा है तो इसमें दो तीन बिंदु ऐसे मिले हैं जिसपे और जाँच की आवश्यकता है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि इनके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है, जबकि एक्ट के अनुसार से जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्टॉक रजिस्टर हर एक पीडीएस दुकान को मेंटेन करना है। तभी हमें समझ में आया कि वास्तव में इनके पास अभी इतना स्टॉक है तो क्यों है और क्यों नहीं है। और जो फ़ोन पे एडीएम एसओआर एडीएम सप्लाई द्वारा बताया गया या डीएसओ द्वारा बताया गया कि दिसंबर का राशन ऑलरेडी चला गया है और ये और जनवरी का भी लगभग प्रक्रिया में है कि लगभग सभी को राशन मिल गया, मगर ये लोग अभी भी नवम्बर का राशन बांट रहे। उपरांत अशोक चक्र विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा को उनके 30वें शहादत दिवस पर धनबाद वासियों ने याद किया। रणधीर वर्मा चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर शहीद की पत्नी व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा मौजूद थी। सलामी देने के बाद अतिथियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदरणीय श्रद्धे जो रणधीर वर्मा जी के शहादत पे गर्व है, सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं।
धनबाद जिला के वासियों के लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं ही, और जिला प्रशासन हमेशा उनकी शहादत को याद करेगा और ये उम्मीद करेगा अपने सभी युवाओं से, सभी पदाधिकारियों से कि अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं। तो मेरा एक ही संदेश है कि देश के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसका कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। रणधीर वर्मा जी की शहादत को हम सिर्फ माल्यार्पण करके नहीं आंक सकते हैं, और उन्होंने जो धनबाद के लिए किया, उन्होंने जो झारखंड के लिए किया वह अद्वितीय है। वो उनके उन्होंने अपनी शहादत दिया और इसी की वजह से आज झारखंड उग्रवादियों के आतंकवादियों के चपेट में, जो उस समय पंजाब के टेररिस्ट जो आकर के यहाँ अपना एक छत राज करना चाहते थे, यहाँ के पैसे लूट करके आगे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रणधीर वर्मा जी ने बिल्कुल उसको रोकने का काम किया। रणधीर वर्मा सर की स्मृति में आज का जो दिन है, हम लोग यहाँ पर सलामी के लिए आए हुए थे और उनकी शहादत हम लोगों के लिए, हमारे पूरी सर्विस के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने इतनी बड़ी। धनबाद में पर्यावरण संरक्षण श्रम कल्याण संस्था के संस्थापक कुमार अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि पर संस्था की तरफ से जरूरतमंदों के बीच कंबल, मास्क और भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। तो अपना धन्यवाद, फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।